नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सहारनपुर प्रखर पत्रकार, संवेदनशील कवि, वैदिक चिंतक, चरित्र की राजनीति के भीष्म पितामह व पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को बेरी बाग स्थित में मोक्षायतन योग संस्थान मुख्यालय में आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि यज्ञ और अंताक्षरी के रूप में आयोजित अनूठी काव्यांजलि के द्वारा स्मरण किया गया, जिसमें लॉकडाउन को देखते हुए मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योगाश्रम, नेशनल बिल्डर्स एकेडमी व राष्ट्रीय वंदना मिशन से जुड़े केवल चुनिंदा लोगों को ही शामिल किया गया। वैदिक यज्ञ में मुख्य रूप से ऋग्वेद से गायत्री व राष्ट्रीय प्रार्थना मंत्र से आहुतियां देकर अटल जी के सपने के सशक्त भारत, अखंड भारत, संगठित भारत के लिए प्रार्थना की गई। डॉक्टर अशोक गुप्ता ने गोपाल दास नीरज की लोकप्रिय रचना हम नहीं उनमें हवा के साथ जिनका साज बदले, साज ही केवल नहीं आवाज और अंदाज बदले, सुनाकर अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को सराहा। मंजू गुप्ता ने विनय ना मानत जलधि, जड़ गए तीन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीति का पाठक करके अटल जी के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण के लिए किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण को याद किया। साधक सौरभ ने देशभक्ति गीत देश मेरे के प्रस्तुति से कारगिल विजय को याद किया। अंताक्षरी में भाग लेने वालों में ध्यान प्रमुख विजय सुखीजा, सुमन्यु सेठ, अदिति अग्रवाल, राम तीर्थ, आयुषी अग्रवाल, पार्थ गेरा, जतिन चावला व खुशबू आदि शामिल रहे। सहारनपुर से ब्यूरो चीफ हैदर अंसारी की रिपोर्ट।